हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं घनीय क्रिस्टल संरचना के लिए त्रिज्य अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखिए, इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसके माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके लिए सीमांत त्रिज्य अनुपात का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उस पर हमने बात कर ली थी। उसी क्रम में आज हम जो घनीय क्रिस्टल संरचना है जिसमें कि एक जो धनायन है उसके चारों ओर घनीय रूप में आठ जो ऋणायन है वो घिरे हुए होते हैं, या फिर एक धनायन के चारों ओर घनीय रूप में आठ ऋणायन व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार की जो क्रिस्टल संरचना है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आठ होता है, और इसके लिए जो सीमांत त्रिज्य अनुपात है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके लिए देखिए, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे कुछ डायग्राम्स बनाए गए हैं। इन डायग्राम की मदद से आपको अष्टफलक के क्रिस्टल संरचना में किस प्रकार से लिमिटिंग रेडियस रेशियो की गणना की जाती है उसमें हमें मदद मिलेगी। तो देखिए, ये जो चित्र एक दिखाया गया है, चित्र एक ये दर्शा रहा है कि घनीय क्रिस्टल संरचना में धनायन और ऋणायनों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो धनायन है जिसका केंद्र बिंदु वो है, इसको जो घन है उसके केंद्र पे दिखाया गया है, और जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो ऋणायन है वो घन के आठ कॉर्नर्स पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है वो घनीय क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाती है। देखिए, इसमें इस स्ट्रक्चर में एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए नहीं है। वास्तव में इस चित्र को देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाया गया है। अगर इनको धनायन और ऋणायन को आपस में स्पर्श करते हुए स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कि समझना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए समझने के हिसाब से ये धनायन और ऋणायनों की व्यवस्था को इस प्रकार से दिखाया गया है। देखिए, चित्र दो है वो इस बात को दर्शा रहा है कि एक धनायन के चारों ओर चार ऋणायन नीचे और चार ऋणायन है वो ऊपर की तरफ व्यवस्थित हैं। यानी ये जो चार ऋणायन है वो एक तल में होंगे, और ये जो चार ऋणायन है वो इसके ऊपर धनायन के ऊपर दूसरे तल में होंगे, और इन दोनों तलों के बीच में ये धनायन स्थित होगा। तो इस प्रकार की ज्यामिति क्या कहलाएगी? घनीय क्रिस्टल ज्यामिति। देखिए, चित्र तीन है, एक ज्योमेट्री शो की गई है। इस ज्योमेट्री की मदद से हम त्रिज्य अनुपात का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आइए विद्यार्थियों, घनीय क्रिस्टल संरचना में एक जो धनायन है घनीय रूप में अपने चारों ओर आठ ऋणायनों से घिरा हुआ होता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। चित्र तीन में दर्शाई गई ज्यामिति में ओपी एक लंब डाला गया है तल ए बी सी डी पर। देखिए, ये जो ए बी सी डी चार ऋणायनों से एक जो तल का निर्माण हो रहा है उस तल पर, या ये कहें उस तल के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र बिंदु पर एक लंब ओपी डाला गया है। ओके, ओपी देखने में ये पी पॉइंट ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये लंब किसके है? डीसी पर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इस ज्यामिति को त्रिविम में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो पी पॉइंट है बिल्कुल तल ए बी सी और डी के बिल्कुल मध्य में स्थित। ओके, तो इस ज्यामिति को समझने के लिए आपको ये जो त्रिविम है या 3D है उसमें
थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, तब ये आपको ज्यामिति पूर्ण रूप से समझ में आएगी। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है OPD, OPD, तो इसमें देखिए OD² = OP² + DP² OP² + DP² यानी पाइथागोरस प्रमेय जब हम किसी समकोण त्रिभुज में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए OD क्या है, O और D। OD है ये जो धन, O क्या है, O है धनायन का केंद्र बिंदु, तो ये है ऋणायन का केंद्र बिंदु, और धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, तो धनायन ऋणायन के केंद्र बिंदु से धनायन के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, उन दोनों की त्रिज्याओं का योग। तो देखिए OD का मान कितना हो गया, R++ R-। अब देखिए OP का मान कितना है, O और P। OP, O कहां पे है, जो घनीय स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है, और P कहां पे है, ये जो तल है ABCD इसके बिल्कुल मध्य में है। तो OP का मान कितना हो गया, OP का मान देखिए यहां पे मान लीजिए P है, सपोज करिए यहां पे क्या है, P है, OP हो गया, और उतनी ही दूरी ये होगी, तो ये जो डिस्टेंस है CH है उसकी क्या होगी, आधी होगी, यानी यहां पे अगर हम CD की बात करें उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो देखिए OP = 1/2 BC = R-, क्योंकि देखिए BC का मान कितना है, 2R-, तो OP का मान कितना हो जाएगा, R-। ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब देखिए समस्या है DP, D और P। यहां पे तो ऐसे लग रहा है कि DP का मान R- है, लेकिन P कहां पे है, P DC का मध्य बिंदु नहीं है, पहले ही हम बात कर चुके हैं जो तल ABCD है उसके बीचों बीच में बिंदु P स्थित है। तो DP का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक दूसरे समकोण त्रिभुज DCB की कल्पना हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में क्या है, DB² = DC² + CB² यानी वही पाइथागोरस प्रमेय हम इस समकोण त्रिभुज के लिए लागू करेंगे, तो वही कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि इसमें DB इक्वल टू क्या है, देखिए DB इक्वल टू क्या है, DP + PB, DP + PB, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, थर्ड। अब देखिए इसमें DP और PB का मान बराबर है, क्योंकि P पॉइंट है वो बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, तो DP का मान जितना होगा उतना ही PB का मान होगा, तो क्या हो गया, DP = PB। अब देखिए DP बराबर क्या हो गया, इन दोनों को एक मान लीजिए, DP मान लीजिए, PB को भी DP मान लीजिए, क्योंकि ये हमने DP = PB पहले ही कह दिया है, तो DP इक्वल टू क्या हो गया, DP + DP = DP। यहां तक क्लियर, यहां तक शायद कोई समस्या नहीं होगी। तो अब देखिए इसमें DB² = DB² =, देखिए इक्वेशन 2 पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 में DB² = अब देखिए DC CB का मान कितना है, 2R-, DC और CB का मान कितना है, 2R-, तो 2R- देखिए DC और CB का मान इसमें ये पुट कर दीजिए यहां से, तो क्या आ गया, 2R-² + 2R-²। तो देखिए ये DP का मान कितना है, DP का मान हम कह चुके हैं 2DP, तो 2DP² = इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4R-² + 4R-² 8R-² अब देखिए आगे चलिए 2DP हम दोनों तरफ से वर्गमूल ले रहे हैं, इक्वेशन इसको कह दीजिए आप 4 कह दीजिए, इक्वेशन 4 में दोनों तरफ से वर्गमूल लेने पर ये प्राप्त होगा हमें, देखिए 2DP² है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल 2DP बच गया है, उसके बाद में देखिए इसका वर्गमूल क्या होता है, 2√2 और R-² का जो अंडर रूट है वो क्या होगा,
डीपी का मान क्या आ गया रूट टू आर माइनस। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए आर प्लस डीपी का मान क्या है, देखिए डीपी का मान पीबी के बराबर है, डीपी का मान चलिए डीपी का मान यहां से हमने टू आर माइनस निकाल लिया है, ये इक्वेशन नंबर कह दीजिए आप फाइव कह दीजिए। अब देखिए ओपी ओडी का मान हमारे पास में है, ओपी का मान हमारे पास में है, डीपी का मान नहीं था, डीपी का मान हम इक्वेशन फाइव से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इक्वेशन फाइव की मदद से हम डीपी का मान इस इक्वेशन वन में रख देंगे, बाकी ओडी और ओपी का मान ऑलरेडी हम बताई चुके हैं, वो मान भी इसमें रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ओडी स्क्वायर का मान है आर प्लस प्लस आर माइनस आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू ओपी का मान कितना है आर माइनस तो उसका स्क्वायर, प्लस डीपी का मान कितना है इक्वेशन पांच से टू आर माइनस तो इसका स्क्वायर। तो देखिए आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस स्क्वायर प्लस टू रूट टू आर माइनस का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए तो देखिए आर माइनस और ये क्या आ जाएगा टू आर माइनस का स्क्वायर थ्री आर माइनस का स्क्वायर हो गया है। आर प्लस प्लस आर माइनस अब दोनों तरफ से वर्गमूल ले लीजिए तो आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू रूट थ्री आर माइनस आ गया है, आर प्लस इक्वल टू 1.732 आर माइनस माइनस आर माइनस तो कितना आ गया 0.732 आर माइनस। और हमें क्या चाहिए आर प्लस अपॉन आर माइनस, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इधर गया ही, इधर क्या बच गया है 0.732 इक्वल टू आर। ये क्या है घनीय क्रिस्टल संरचना के लिए सीमांत त्रिज्य अनुपात का मान निकल करके आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी क्रिस्टल संरचना के लिए त्रिज्य अनुपात का मान 0.732 या इससे अधिक होगा तो जो क्रिस्टल संरचना है वो घनीय क्रिस्टल संरचना होगी, लेकिन अगर त्रिज्य अनुपात का मान 0.732 से थोड़ा बहुत भी कम हुआ, अंश मात्र भी कम हुआ, तो क्रिस्टल संरचना घनीय क्रिस्टल संरचना नहीं होगी। ओके, तो ये क्या है एक सीमा निर्धारित कर रहा है, ये जो अनुपात निकल करके आया है वो एक सीमा का निर्धारण कर रहा है, जिस सीमा के माध्यम से हम ये पहचान पा रहे हैं कि अगर त्रिज्य अनुपात का मान इससे या इससे अधिक होगा तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी, और अगर त्रिज्य अनुपात का मान इससे कम होगा तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ओके, ये क्या है सीमा, सीमांत त्रिज्य अनुपात। ओके, इस प्रकार से जैसे ये इंडिया है और ये क्या है पाकिस्तान है, ये इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में क्या है ये ये है बॉर्डर, जिसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ एलओसी, ठीक है ये एलओसी है। इसके देखिए ये जो एरिया है ये देखिए ये जो लाइन है इससे इधर क्या है इंडिया है और इस लाइन से इधर क्या है पाकिस्तान है। ओके, तो यानी ये जो सीमा है ये जो लाइन है ये किस बात को इंगित कर रही है, ये इस बात को इंगित कर रही है कि कहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो रही है और कहां से इंडिया की सीमा शुरू हो रही है। थोड़ा सा हम इधर जाएंगे तो पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो हम इंडिया शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहां पे 0.732 है सीमा का निर्धारण कर रहा है, अगर हम इधर जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी अष्टफलक की स्ट्रक्चर हो जाएगी, और अगर हम इधर जाएंगे या फिर 0.732 या इससे अधिक जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी घनीय स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, तो ये थे देखिए हमने स्टार्ट किया है त्रिकोणीय क्रिस्टल संरचना से, फिर उसके बाद में जो चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना है उसके लिए, और फिर अष्टफलकीय, और आज हमने घनीय क्रिस्टल संरचना है उसके लिए किस प्रकार से त्रिज्य अनुपात का मान ज्ञात करते हैं इस पे हमने बात की है। अब देखिए त्रिज्य अनुपात का महत्व आप समझ ही चुके होंगे, जो पहला वीडियो था त्रिज्य अनुपात पर
उस पे हमने उसमें हमने त्रिज्या अनुपात का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिस्टलिस स्ट्रक्चर के लिए त्रिज्या अनुपात का मान हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। आज हम उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि त्रिज्या अनुपात का महत्व क्या है। त्रिज्या अनुपात का महत्व यह है कि देखिए त्रिज्या अनुपात किस पर आधारित है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या पर। अगर किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएं बता दी जाए तो उनका अनुपात त्रिज्या अनुपात निकाल लेंगे, हम सीमांत त्रिज्या अनुपात निकाल लेंगे। जब किसी क्रिस्टल संरचना के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान निकाल लिया गया है तो सीमांत त्रिज्या अनुपात के नियम की मदद से हम उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उपस्थित आयनों की उपसहसंयोजक संख्या का पता लगा सकते हैं। और उपसहसंयोजक संख्या जब पता लग गई तो हमें इस बात का पता चल गया है कि क्रिस्टल में उपस्थित आयन कितनी संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरे हुए हैं। और जब इस बात का पता लग गया है तो क्रिस्टल में आयन किस प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, इस बात का निर्धारण हम कर लेते हैं। ओके, तो ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त होती है। ओके, तो विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में त्रिज्या अनुपात की मदद से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ओके, तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।